हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त सुशांत फिर एक बार आपके चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम हैं नासिक में और नासिक में जा रहे हैं तपोवन ये देखने, और हमारे साथ नितिन भाई है जो रिक्शा चला रहे हैं। तो मैं उनका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उनसे जाते जाते हम तपोवन की इंफॉर्मेशन वहां जाके देंगे। तो चलो चलते हैं। जस्ट हम तपोवन में यहाँ आ चुके हैं, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है, और हमारे साथ नितिन भाई है जो वहाँ खड़े हैं। तो चलो पूछते हैं उनकी कि तपोवन के बारे में हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन उनको पूछते हैं। तो चलो अभी देखो सर, अभी अपन आ गए तपोवन के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया प्रभु रामचंद्र वनवास में आए थे, तो उस समय में जगह का नेम प्लेस था दंडकवन दंडकारण्य। उसके बाद में जगह नाम पड़ा पद्मावती रानी से पदमपुर। उसके बाद में मुगलों का राज है तो ये जगह नाम पड़ा गुलशनाबाद। फिर गुलशनाबाद के बाद ही जगह नाम शूर्प नक्कन नाक्कन काटने से संस्कृत में नाक्कन को नासिका बोला गया है, इसलिए नाक्कन काटने का जगह नामकरण का बाद में नासिका। अभी नासिका जो शॉर्टकट में नासिक बोला जाता है। अभी जहाँ पे आप लोग आए हो, जहाँ पे खड़े हो, अभी अपन आ गए तपोवन के अंदर। अभी अपन तपोवन के अंदर एंट्री करते प्रवेश करते तो आप लोगों को लक्ष्मी नारायण जी का बड़ा मंदिर दिखाते। इसको बोलते कुंभक मंदिर, साधु संतों का मंदिर, लक्ष्मण जी का बड़ा मंदिर। लक्ष्मण जी का बड़ा मंदिर इसलिए दिखाते कि 12 साल में अभी जो कुंभ का मेला लगता है, जितने साधु संत इस नगरी में आते वो साधु संतों के सब डेरे मिले, पूरे तंबू, पूरे अखाड़े, पूरा साधु ग्राम। ये जो 300-400 एकड़ की जो जगह है, यहाँ के गवर्नमेंट ने, यहाँ के कारपोरेशन ने कुंभ मेले के लिए राखी रखी है। इसी जगह पे साधु संतों के पूरे तंबू, पूरे अखाड़े, पूरा कुंभ का मेला लगा रहता है। और कुंभ के समय में जो शाही पर्व रहता है, वो शाही पर्व में साधु संतों का जो पहले शाही स्नान के लिए जो मेला निकलता है, वो मेला ये मंदिर से इस जगह से यहाँ से स्टार्ट होता है। और जहाँ से अभी आप मेरे ऑटो में बैठे ना, रामकुंड, रामगढ़, उरना, उरना, गोदावरी, त्रिवेणी संगम, वो त्रिवेणी संगम में जाके खत्म होता है। इसलिए अपन तपोवन के अंदर एंट्री करते तो आप लोगों को लक्ष्मी नारायण जी का बड़ा मंदिर दिखाते। इसको बोलते हैं कुंभ का मंदिर, साधु संतों का मंदिर, लक्ष्मी जी का बड़ा मंदिर। लोग पार्टी में दर्शन करके आइए, फिर आपको नीचे आएंगे जहाँ पे लक्ष्मी तपस्या किया। नाउ मैं अब गौशाला में जा रहा हूँ। यहाँ गौशाला है, गौशाला का यहाँ रूम है, और अभी गौशाला में अंदर जा रहा हूँ। आई डोंट नो अंदर जाना अलाउड है या नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ गौशाला है। मंदिर के पीछे ही गौशाला है, और एक्चुअली यहाँ गौशाला है, लेकिन
उसमें काऊ काऊ यहाँ नहीं है, मतलब कम है काऊ, तो यहाँ एक्चुअली 5 या 6 काऊ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं गौशाला में हूँ। जो अभी मंदिर का आपने वीडियो देखा उसके साथ ही बाजू में ये है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ गौशाला में काऊ है, तकरीबन 10 ही हो गए, ज़्यादा नहीं है। तो आप इस प्लेस पे विजिट कर सकते हैं, और मैंने नितिन भाई है जो, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो एक्चुअली वो चार्ज लेते हैं, 400 बोलते हैं, आप 300 तक बार्गेनिंग करके ला सकते हैं। आपको तकरीबन 10 मंदिर वो आपको दिखाएंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताइए, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें।